बच्चों एक्सरसाइज है 2.4 और क्वेश्चन है 1 और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे कि हम लास्ट एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, तो इसमें भी एक्चुअली हमें करना मल्टीप्लाई है, मतलब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज जो सीखनी है वो ये कि जब भी आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाता है किसी भी नंबर को किसी फ्रैक्शन से, ठीक है, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई 12 को डिवाइड करो तो 3/4 से, तो जब भी किसी फ्रैक्शन से आपको डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन 3/4 से नहीं, 4/3, समझ आया? मतलब ये कि जो डिवाइड का साइन है इसे चेंज कर देना, इसमें चेंज कर देना मल्टीप्लाई, और जो फ्रैक्शन गिवन है उसको चेंज कर देना इसके रेसिप्रोकल, ठीक है, बस। और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या आएगा, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 16 आंसर आएगा। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 6/5। अब क्योंकि 5 से 14 को कट नहीं कर सकते तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 6 जा 84, 34 डिवाइडेड बाई 5। अब क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिस नंबर में लिख देते हैं, 5 बन जाए 5, 3 बचा 5, 6 जा 30, 4 बचा 5, ये ना फ्री आंसर आ गया इसका। ऐसे इसको करोगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3/7, 8 3 जा 24, 24 बाई 7, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 7 3 जा 21 बचा 3/3, ये ना, ठीक है। इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3/8, तब कर देते हैं 1 और 2, तो ये तो वैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आंसर हुआ इसका। इसको बच्चों पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 6 और 1 7, यानी कि 7/3, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं बची बिल्कुल भी, चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इतना काफी है। अब करते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डिवाइजर है वो एक मिक्स नंबर है, इसको कह देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 2 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 7/3, और अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के रिफ्लेक्शन है, इसको कर देते हैं अपसाइड डाउन, कटिंग पॉसिबल नहीं है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई 3 3 जो 9 और 7। याद रखना है मैंने पीछे भी बताया था आपको कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, 7 7 + 2 9/1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको बच्चों पहले लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, 7 3 जा 21 और 4 25, यानी कि 25/7। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25,
हो गया कार्बन अपॉन, ठीक है क्वेश्चन 1 पूरा हो गया।